कैसे हैं आप सब लोग। तो आ गई मैं दोबारा आपके पास न्यू वीडियो लेके। तो आज की जो वीडियो है वो विंटर्स से रिलेटेड है, विंटर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके फेस को विंटर्स में आप हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं, एंड सेकेंड थिंग, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है और बहुत ज़्यादा सूखता है, सुबह आप मॉर्निंग में उठते हैं और फेस में पपड़ी जमी होती है, फेस सूखता है यहाँ से हर तरफ से, तो विंटर्स में मेनली फेस सूखता ज़्यादा है। तो उसी के लिए आज हम नेचुरली फेस पैक लेके आए हैं, जो आप अपने किचन में से चीज़ें पिक करके आप अपने फेस पे नेचुरली ग्लो ला सकते हैं विंटर्स में फेस पैक यूज़ करके, वो भी किचन के थ्री इंग्रेडिएंट्स, ओनली ऑन थ्री इंग्रेडिएंट्स से आप इस फेस पैक को बना सकते हैं। एंड सेकेंड, आप इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ करें। मोस्टली जो बाहर के जो फेस पैक एंड फेस स्क्रब होते हैं उसमें केमिकल्स मिले होते हैं, तो केमिकल्स से मिले होते हैं तो उससे हमारा फेस जो वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इफ़ेक्ट डालता है। इसीलिए मेन हमारा क्या होता है कि हम घर की चीज़ों को पिक करके हम अपने फेस को अच्छा बनाएं, फेस को क्लीन करें और फेस को ड्राई ना होने दें एंड फेस को ग्लोइंग बनाएं। तो मेन पॉइंट हमारा ये है कि हम नेचुरली चीज़ों से, नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम अपने फेस को ग्लोइंग करें। तो चलिए लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टिप है, ब्यूटी टिप है, ब्यूटी हैक है, ये है फेस को कैसे हाइड्रेटेड रखें। विंटर्स में फेस ज़्यादा सूखता है तो वो भी सूखना बंद हो जाएगा, जो हमारे फेस पे इधर पपड़ी जमने लगती है, ये सब दिक्कत होती है, तो वो भी दिक्कतें होना बंद हो जाएंगी। तो आज का जो पैक है वो है फ्रूट पैक, वो हम बनाएंगे बनाना से, वो भी घर में सिर्फ थ्री इन्ग्रीडियंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले ले बनाना, बनाना मेक श्योर रॉ बनाना ना हो, अच्छा सा पका हुआ बनाना हो, कच्चा बनाना ना ले। तो फर्स्ट एंड देन सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है आपका हनी। हनी जो होता है हमारे फेस को सबसे ज़्यादा डीप क्लीन करता है एंड हाइड्रेटेड रखता है, तो हनी हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है। एंड द थर्ड इंग्रेडिएंट्स आर इज दिस, दिस इज मलाई, इसको छली भी बोलते हैं। एंड मलाई जो दूध के ऊपर जो मलाई आपकी रखी लगी है, आप उसी को ही उतार ले, प्योर मलाई ले, मतलब पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक कटोरी ले लें या बाउल ले लें, उसके बाद आप बनाना ले, मेक श्योर बनाना जो हो कच्चा ना हो, पका हुआ हो अच्छा। तो रॉ बनाना ना लेते हुए आप पका हुआ बनाना ले लें, एंड आधा बनाना को ले लें, ठीक है, आधा बनाना सफिशिएंट है आपके लिए। देन इसको बाउल में रखें एंड अच्छी तरीके से आप इसको मैश कर लें। मैश ध्यान रखिए, थोड़ा सा भी लम्ब्स ना छोड़े, मैश अच्छे से कर लें। एंड देन आप इसमें हाफ टेबल स्पून हनी का डालें, हाफ टेबल स्पून डालने के बाद आप इसमें जो है मलाई ले लें, आधी चम्मच ही आपको मलाई लेनी है। एंड आप अच्छे से तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से बाउल के अंदर मिक्स कर लें। ध्यान रखिए तीनों एक अच्छे से मैश हो जाएं, एंड देख लीजिए पेस्ट जो है आपके सामने तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इसको अप्लाई करें अपने फेस पे, एंड मेक श्योर आपका फेस जो हो क्लीन हो, वॉश किया हुआ हो। इस तरीके से आप अपने फेस पे पूरी तरीके से अप्लाई कर लें, एंड जेंटली थोड़ा सा मसाज करें उसको। मेरे फेस पे, पूरे फेस पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड देन आप इसको जो है छोड़ दें 15 to 20 minutes, आप इसको छोड़ दें आराम से, एंड रेस्ट करें अपने आईज पे, अच्छे से कुकुम्बर लगा के आप लेट जाएं, रिलैक्स करें 15 to 20 minutes आप
फ्री अपने माइंड को रखें एंड देन 15 to 20 मिनट्स लगाने के बाद आप इसको वॉश कर लें अच्छे वाटर से, ठीक है। वाटर लुक वार्म वाटर होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो लुक वार्म वाटर से आप इसको वॉश कर लें, ठीक है। एंड देन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। एंड अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके जाएं फॉर मोर इंटरेस्टिंग नेचुरली हैक टिप्स ट्रिक्स। तो आप इसको देख सकते हैं, तो आप भी अपने घर पे अप्लाई करें। नेचुरली आप फेस पैक कैसे बना सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ग्लोइंग स्किन वो भी घर पे सिर्फ किचन में से अपने थिंग्स पिक करके आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्क्रब एंड फेस पैक्स जो भी हैं वो देखने के लिए अच्छी अच्छी नेचुरली, तो आप इस चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड चलिए गाइस, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।